क्लास लोगो प्रोसीडर, ठीक है, टाइटल हो गया था हमारा, लोगो क्या होता है, राइटिंग का प्रोसीडर हमने किया था, राइटिंग और एडिटिंग अ लोगो प्रोसीडर यूजिंग द एडिटर विंडो। अब हम बात करेंगे रनिंग अ प्रोसीडर। रनिंग अ प्रोसीडर मीन्स एग्जीक्यूटिंग द सेट ऑफ कमांड टाइप एंड सेव इन द प्रोसीडर और डिफाइंड प्रोसीडर कैन बी कॉल्ड एनी टाइम बाय सिंपली टाइपिंग द नेम ऑफ द प्रोसीडर इन द कमांड इनपुट बॉक्स। हमें इनपुट बॉक्स में सिंपल कमांड करनी है। यू कैन रन अ प्रोसीडर बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द प्रोसीडर, फॉर एग्जाम्पल स्केल हमें टाइप करना है तो स्केल इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड देन प्रेसिंग द एंटर की। A variable in logo is denoted by a followed by the name of the variable. For example, हमने कल इसका example जो है किया था, जैसे कि हम इसको अब हमें hexagon यहां पर 90 और हम आप क्या करेंगे एंड, ठीक है, ये है हमारा पहला एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, हेक्सागन जो है हमें टाइप करना है, साइड क्या करेंगे, रिपीट repeat 360
एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर हमें प्रोसीजर टू ड्रो अ स्क्वायर करना है, पहले आप इन एग्जांपल्स को देखो। ठीक है, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल, तो हम क्या डालेंगे? देखो, स्केल करना है, हमें स्केल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? टू स्केल, रिपीट, फोर एफ डी 40 देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए और ट्रायंगल के लिए। फटाफट कॉपी में उतारो। स्केल टू रन द प्रोसीजर टाइप स्केल एंड प्रेस द एंटर की। ठीक है, तो अ स्केल गेट ड्रॉन ऑन द ग्राफिक स्क्रीन एज शो। तो ग्राफिक स्क्रीन पे क्या होगा? स्केल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। प्रोसीजर टू ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल को ड्रॉ करना है, तो टू सर्कल रिपीट 360 एफ डी फर्स्ट एंड आर टी फर्स्ट, सो एंड हो जाएगा। ठीक है, टू रन द प्रोसीजर टाइप सर्कल एंड प्रेस द एंटर की। ट्राइंगल के लिए सामने है आपके बोर्ड पे, टू ट्राइंगल रिपीट 3 एफ डी 60 आर टी 120 फॉरवर्ड और बैकवर्ड राइट साइड से, यही आर टी एफ डी जो है इस तरीके से डिनोट करे गए हैं। टू रन द प्रोसीजर टाइप ट्राइंगल एंड प्रेस द एंटर की, तो ट्राइंगल इज ड्रॉन इन द ग्राफिक स्क्रीन। ओके, ग्राफिक स्क्रीन पर आपका ट्राइंगल सर्कल स्केप जो है वो शो हो जाएगा, यानी कि ड्रॉ हो जाएगा।
तो ये सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, व्हाट इज द लोगो प्रोसीजर? इन लोगो द कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज एंड व्हेन एंटर्ड. दीज कमांड डू नॉट गेट स्टोर्ड इन मेमोरी. Till now we have been writing command on one by one to draw figure. If the same figure is not be drawn again, the same set of command will have to be given again. आपको same command वो देनी पड़ेगी. Instead, if we want to save the set of command and given it a name, we can do it with the help of logo procedure. A procedure is useful if we want to reuse a certain set of command. We can give a name to a set of command and can recall it whenever needed. A procedure once defined can be stored in memory and can be called anytime when required. A logo procedure is divided into three parts. First part is title of the procedure, second set of instructions and third end line. The title of the procedure can include letter number or symbol. In first character should always be a letter. Blank space cannot be included. Arithmetic operator plus, minus, multiplied, divided cannot be included in the name. Logo command names cannot be included. A logo procedure is a set of logo command given one after the other to perform a particular task and referred to by a name. The title of the procedure is the name given to the procedure. Perfectly, a procedure name should be such that it gives some information about the set of instruction. यानी कि आपके पास valid procedure है and invalid procedure. Writing a procedure. Procedure using input box. आप input box में कैसे जो है command को input करेंगे. Type 2 followed by name for the procedure. For example, 2 circle. Now press the enter key. After pressing the enter key, two mod input box appear. Click inside the box. Enter the command one after the other, pressing the enter key after each command. Type end to mark the end of the procedure. Writing or editing a logo procedure using the editor window. तो आप किस तरीके से use करेंगे editor window को? The editor window allow you to make change in already existing procedure and also be written new procedure. To write a new procedure using editor window, follow the step given below. Step number first, click in the command input box and type edit screen and press the enter key. Screen is the name of a new procedure. The editor window appear as show alongside. Insert a blank line after the line containing to scale by pressing enter key. Type the command that you want to include in the procedure. For example, CS forward, RT, FD, RT, FD, RT, yani ke right says or forward. The command appear in the editor window between the title line and the end line. Step number 4. Click on file in the menu bar on the editor window. Click on save and exit option in the drop down menu. Okay. Running a procedure. कैसे हम run कराएंगे? Running a procedure means executing the set of command, type and save in the procedure. A defined procedure can be called any time by simply typing the name of the procedure in the command input box. You can run a procedure by typing the name of the procedure, for example, scale in the command input box and then pressing the enter key. आपको सिर्फ command डालनी है और enter key को press करना है. फिर हमने बात करी थी वेरिएबल की. अ वेरिएबल इन लोगो इज डिनोट बाय अ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल किए थे. ठीक है, तो वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं आपके सामने. ठीक है, स्केल अगर हमें टाइप करना है, सॉरी स्केल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है एंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो आपको एग्जांपल्स है आपके सामने. सेम ऐसे ही आप इनपुट करें.
जो आपकी शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? अगर हमें जो है प्रॉब्लम टू ड्रॉ अ कंप्यूटर को ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम प्लानिंग करेंगे। ड्रॉ अ बॉक्स चार्ट अकॉर्डिंग द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग करेंगे अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग नंबर सेकेंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें कोडिंग करनी है। पहले आप ये देखिए, पहले आप एग्जांपल जो है आपको जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, अगर आपको रॉकेट ड्रॉ करना है तो हम वो भी कर लीजिए। उससे पहले जैसे हमें एक प्रोसीडर फॉर गिवन फिगर, फिगर को हमें ड्रॉ करना है, पहले आप ये चीज़ देखें, देन हम कंप्यूटर को ड्रॉ करेंगे। इन लोगो द कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज एंड व्हेन एंटर। अ प्रोसीडर इज यूजफुल इफ वी वांट टू रीयूज अ सर्टेन सेट ऑफ कमांड। द टाइटल ऑफ द प्रोसीडर कैन इंक्लूड लेटर, नंबर्स और सिंबल्स। द टाइटल ऑफ द प्रोसीडर इज द नेम गिवन टू द प्रोसीडर। ठीक है, द टाइटल ऑफ द प्रोसीडर इज द नेम गिवन टू द प्रोसीडर। अ लॉगर प्रोसीडर इज अ सेट ऑफ लोगो कमांड। द एडिटर विंडो अलाउ यू टू मेक चेंज इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीडर। रनिंग अ प्रोसीडर मीन्स एग्जीक्यूटिंग द सेट ऑफ कमांड टाइप एंड सेव इन द प्रोसीडर। अ डिफाइंड प्रोसीडर कैन बी कॉल्ड एनी टाइम बाय सिंपली टाइपिंग द नेम ऑफ द प्रोसीडर इन द कमांड इनपुट बॉक्स। यू कैन रन अ प्रोसीडर बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द प्रोसीडर। अ वेरिएबल इन लोगो इज डिनोटेड बाय अ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लोगो कमांड है। ठीक है, एक बार इस चैप्टर को जो है फिर से आप वापस में, हमारे दो कॉन्सेप्ट रहते हैं अभी, कैसे हम कंप्यूटर को ड्रॉ करेंगे एंड आपकी बुक में एक रॉकेट और फिगर्स भी कुछ दी गई हैं, उनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो आपको इनके जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो याद रखने हैं, कोडिंग थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेगी कि लेफ्ट राइट फॉरवर्ड कैसे करना है, देन फिर आप जो है आप उसको ईजिली जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपना जो ये है कंप्यूटर को ड्रॉ करेंगे एंड जो कुछ शेप्स यहाँ पे दी गई हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।